तो गाइस जैसे कि हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कल ना अपनी क्रेटा भी छोड़ गए थे डेमनाई के लिए, और एक क्रेटा में भी डेमनाई हो चुकी है बिल्कुल लाइट साफ होके। ये अपनी सेवेकरी और ये वरना की वॉशिंग हो रही है। अभी वॉशिंग होने के बाद आपको एक कंप्लीट दिखाता हूँ कि क्या क्या करवाया, और बहुत चेंजेस करवाया भाई। ऑलवेज ऑन वॉन्शल हुई नहीं ये क्रेटा के अपने लुक। इसके हमने अलॉय भी लगवा लिए थे, अब इसकी ओवर वीडियो आने वाली। जैसे आपने अलॉय की वीडियो देख ली थी, अंडर बॉडी भी लगी हुई है, अब पूरी वीडियो आएगी इसकी भी जल्दी। और अभी वरना कंटिन्यू करते हैं इसकी वॉशिंग होने के बाद। तो गाइस जैसे कि अपनी गाड़ी का ना सारा काम हो चुका है, ये स्पॉइलर एंट्री वाला, ऊपर टेल लाइट अपनी स्मोक हो चुकी है, डिफ्यूज़र लग चुका है, रिफ्लेक्टर और स्प्लिटर्स भी लग चुके हैं इधर भाई। एक क्रोम डी क्रोम करा जा रहा है, ऊपर से नीचे वाला रख लेंगे हमें, ऊपर वाला मीटर के मैंने आपको जैसे कि कल दिखा दी थी पीछे से, अब ये नंबर प्लेट लग जाएगी। ये भी हमने डी क्रोम कर दिया है, हैंडल तो क्रोम ही अच्छे लगते हैं भाई। और भाई हमने अपनी गाड़ी पे हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट भी करवाया है, उनकी शाइन आप देख रहे होंगे, ये एक नंबर लग रही है। हेडलाइट्स अपनी रेडी हो चुकी हैं ब्लैक आउट करके। और भाई एक थोड़ी सी हमने अलग चीज़ करवाई है, ये हमने इसका लिप ग्रीन करवा दिया और बहुत मैच हो रहा है, साइड मिरर भी अपने ग्रीन हो रहे हैं अभी। बाकी जैसे कि एक बार एक पॉलिशिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसके बाद आपको ओवरऑल सारा काम दिखाता हूँ और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे और क्या कॉस्टिंग है वो भी दिखाता हूँ भाई। सबसे पहले आप गाड़ी की ग्लॉस देख लो, गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट, टिंट्स लग गए हैं, ग्रिल, ये ग्रीन कमेलियन रैप है, हमने साइड मिरर पे भी करवाया है, और इधर स्प्लिटर लग गए, ये हमारा डी क्रोम हो गया, और स्पॉइलर आपको दिखा दिया मैंने, ये भी M3 स्पॉइलर, ये डी क्रोम, ये भी डी क्रोम, डिफ्यूज़र, रिफ्लेक्टर, टेल लाइट अपनी स्मोक हो गई है, और ये अपना पुराना मीटर वीटर, ये देख लो गाइस, ये अपनी एम्बियंस की फिटिंग हो गई है। ये मैं आपको ऑन करके दिखाऊं, ये देख लो गाइस, एक नंबर लग रही है गाइस, एक नंबर। ये तो अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिस्टम का भी काम रहता है, आगे LED दिखा दूं आपको मैं। आज जूम की LED डाल दिया हमने, डेमनाई आपको दिखाऊं, ये देखो गाइस अंडर बॉडी, सारा अपनी गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। ये भाई थोड़ा सा स्मोक कर रहे हैं इसको, और अब यहाँ से हम गाड़ी लेके निकलते हैं, और अच्छा खासा बिल बन चुका है भाई, ये देख लो आप। चलो गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड। सो गाइस जैसे कि आप देख लो, ये मीटर ना प्रॉपर वर्क कर रहा है, कि जैसे किसी के मन में डाउट रहे कोई लगवाते हुए, ये
स्पीड नहीं आएगा, आरपीएम नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा इशू लोगों को लगता है कि इसमें गियर का वो नहीं आएगा। मैं आपको गियर का जैसे चेक कराऊँ, जैसे थर्ड गियर में डालता हूँ मैं, ये देखो ऊपर फोर्थ का शो हो रहा है। मीटर प्रॉपर वर्क करता है, ये अपनी कार्डी हो गई, यहाँ पे चेक कर ली और मैंने आपको सब दिखा दिया। और भाई लमसम खर्चा मेरा आ गया है ये सब काम में, 75 से 80 हज़ार रुपये लग गए हैं मेरी गाड़ी में अब तक इन छुटमुट कामों में ही। अभी तो बहुत काम होना है गाड़ी में, मेन सर्विस वर्विस अभी करवाएंगे, उसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। सो गाइस, ऐसी और वरना की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है ना कि आप इस आप जितना हो सकता है आपसे कि आप उतनी वीडियो शेयर करें। और आई होप कि आपको सारा काम जो मैंने करवाया अच्छा लगा होगा। सो गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग, और रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी अब, और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज़, और ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, SMANCHANDA3300, वहाँ पर भी रील्स जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि अब गाड़ी आ गई है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, और ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।